बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां पर बाबागंज इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली। आपको बता दें कि पिंटू सोनी अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके अपने घर पर परिवार के साथ थे, तभी नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर पिंटू सोनी को अपने साथ चलने को कहने लगे, लेकिन पिंटू सोनी के विरोध करने पर बदमाशों ने पिंटू सोनी के पेट में गोली मार दी। आपको बता दें कि मुंह में नकाब बांध कर घर में घुसे बदमाश पिंटू सोनी का अपहरण करने के इरादे से गए थे, जिस पर पीड़ित ने अपने आप को बदमाशों से बचाने के लिए दरवाज़ा बंद कर भागने का प्रयास किया। उसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे पिंटू सोनी बुरी तरीके से घायल हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों को आता देखकर बदमाश भागने लगे, लेकिन भागने के दौरान बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी खराब हो गई, जिस पर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे बदमाश। घायल पिंटू सोनी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना थाना रुपईडीहा क्षेत्र के बाबागंज कस्बे की है, जो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस इलाके में लगे CCTV फुटेज को भी बदमाशों की तलाश कर रही है। बहराइच की पुलिस अध्यक्ष सुजाता सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों को गठित कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया है। कसम जो गोली कांड आया है, क्या प्रकरण है इसका? सरदा से रिफर किया गया है, अब यहाँ कोई कन्फर्म है कि गोली कांड है क्या कांड है। जब तक इसका एक्सरे या सर्जन देख नहीं लेंगे, कंडीशन तो अभी तो ठीक है, हो सकता है बिगड़ सकती है, इसलिए उसको लखनऊ रिफर किया। धन्यवाद। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया है आपके साथ? हुआ सर कुछ, 7:30 बजे बैठे दुकान बंद कर, 6 बजे बंद कर दी थी दुकान सर। थोड़ा सा छोटा इनका खुला था, पेट अंदर खाना खा रहे, 7:30 बज गया था। सुबह को जल्दी उठना होता, मार दी जाते हैं सुबह। तो उतने बीच में लोग 3 लोग आए, काला कर मच्छा बांधे और कहने लगे चुपचाप बैठो गोली मार देंगे। तो हमने समझा कोई मजाक कर रहा है, कोई रिश्तेदार ना कर होगा, कभी हुआ नहीं है सर। तो हम कन्फ्यूज थे, फिर बाद में चारपाई से उतरा, उनका सर पकड़ा। हमने कहा कोई रिश्तेदार होगा, उसी बीच में सब उनका सर पकड़ा, उसका एक मच्छा उड़ गया और ये पता रहेगा, उसने गोली मार दिया। कुछ बात करो तो दरवाजा बंद किया, इतने भी को हमको धक्का मार के दरवाजा बंद किया, और उसके बाद दुकान सब रात को खुली ही थी। उसमें आप कुछ बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे, या कुछ पहचान हो सकती है? नहीं, उनको कौन है, कोई पुरानी रंजिश रही, क्या मामला? पुरानी रंजिश नहीं, ना कोई दुश्मनी, ना किसी का बैर नहीं। अवगत कराना है, आज दिनांक 9/11/2021 को थाना रुपईडीहा के बाबागंज कस्बे के निर्मला सोनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो परिवार सहित 7:30 बजे घर पे थे, तो 3 लोग आए और उनके पति पिंटू को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रहे थे, विरोध करने पर उन्होंने गोली मार दिया। तत्काल मजरूब को वो उचित चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है और उनकी तहरीर के आधार पे मुकदमा पर संख्या 366/21, धारा 307 IPC पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।